इस नवरात्र अगर आपने रखा है फास्ट और फास्टिंग के दौरान अगर मन करे कुछ चटपटा और तीखा खाने का, तो बनाए इस तीखे और चटपटे रेसिपी को बिल्कुल आसान तरीके से। हेलो फ्रेंड्स, आपका रसोई घर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा कटोरी साबुदाना लिया है। ये देखिए, ये मीडियम साइज वाला साबुदाना है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए आप छोटे साइज वाले या बड़े साइज वाले किसी भी साइज के साबुदाने को ले सकते हैं। सबसे पहले हम साबुदाने को अच्छे से दो तीन पानी धो लेंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से। और मैं इस रेसिपी में आपको बताऊंगी कि साबुदाने को हमें किस तरीके से सोक करना है या फिर किस तरीके से इसके पोहे को बनाना है कि ये चिपचिपा ना बने। तो रेसिपी को अंत तक ज़रूर देखिए। साबुदाने को जब हम पानी में भिंगो करके छोड़ते हैं तो इसका पानी का जो मात्रा होता है बस उतना ही हमें रखना है जितना बर्तन में साबुदाना हो, बस उतना डूबने तक ही हमें पानी रखना है। ये देखिए, अब हम इसे एक घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे। एक घंटे के बाद ये देखिए साबुदाना फूल गया है। तो अब हम इसे एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो सभी छन जाएगा और जब हम पोहा बनाएंगे तो वो खिला खिला बनेगा। अब हम पैन में एक चम्मच शुद्ध घी डालेंगे। यहाँ पे हम इसे व्रत के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे शुद्ध घी का हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा मूंगफली का दाना डालेंगे और उसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि मूंगफली का दाना जो है वो फ्राई हो गया है। तो अब हम इसे साइड में करेंगे और इसमें 6-7 काजू लिया है, इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। काजू को बस हमें 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना होता है। यहाँ पे हमने बादाम और काजू को फ्राई कर लिया है। तो इसे अब एक बर्तन में निकालेंगे और सेम बर्तन में फिर से हम 1 चम्मच शुद्ध घी डालेंगे और 1 बॉयल आलू को मैंने इस तरीके से टुकड़ों में काट लिया है। इसे हम डाल करके हाई फ्लेम पे ही फ्राई कर लेंगे। बस हमें इतना इसे फ्राई करना है कि आलू के ऊपर हल्की सी क्रंचीनेस आ जाए। ये देखिए, आलू को हमने फ्राई कर लिया। तो अब हम इसे एक साइड में कर लेंगे और इसमें अब हम 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा खड़ा जीरा डाल देंगे। तो हरी मिर्च को मैंने यहाँ टुकड़ों में इस तरीके से काट लिया है। एक से दो मिनट तक हम जीरा को घी के साथ चटकने देंगे और उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी करी लीव्स डालेंगे। इससे इस पोहा में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसे भी हम करी पत्ता को भी थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे घी में और ये सारा प्रोसेस हमें हाई फ्लेम पे ही करना है। एक बार इसे मिक्स करेंगे और अब हम इसमें साबुदाने को डाल देंगे। अगर आप व्रत में इस चटपटी और तीखी साबुदाने के पोहे को बना करके खाएंगे तो बिल्कुल भी रियलाइज नहीं होगा कि आप फास्ट किए हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। ये देखिए, अब हम इसमें थोड़ा सा गोल मिर्च पाउडर और सेंधा नमक डाल देंगे। अगर आप नमक खाते हैं फास्ट में तो सेंधा नमक यूज करें, वरना इसे टोटली स्किप कर दें। नमक और गोल मिर्च पाउडर डालने के बाद से हम गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे और इसे लगातार चलाते हुए 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। पाँच मिनट तक साबुदाने को फ्राई करने के बाद हम इसमें जो बादाम और काजू को फ्राई करके रखे थे उसे डाल देंगे। 1 चम्मच हम चीनी डाल देंगे, इससे इस पोहे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और सारे टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए हम इसमें थोड़े से नींबू को निचोड़ के डाल देंगे। ये देखिए, हमारा तीखा चटपटा बहुत ही मज़ेदार साबुदाने का पोहा बनकर के रेडी है। तो इस नवरात्रि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो रेसिपी को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।